नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं नवोदय नौरे सिटी में बायोलॉजी का टीचर हूं और कल 7 मई 2023 को नीट 2023 का एग्जाम हुआ। पूरे ऑल ओवर इंडिया से करीब 21 लाख बच्चों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। हमारे नवोदय नौरे सिटी के कैंपस से भी 13 बच्चों ने इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट किया। इस एग्जाम का जो रिस्पॉन्स है हर तरफ काफ़ी अच्छा रहा। बच्चों ने बताया कि पेपर मॉडरेट से और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पेपर इस बार कंडक्ट किया गया है। हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट किया है, उनमें से एक बच्ची हमारे साथ प्रेजेंट है, श्रेया मानसी। श्रेया मानसी का भी एग्जाम काफ़ी अच्छा रहा है। ये अपने एग्जाम के अनुभव को शेयर करेंगी हमारे साथ और साथ साथ एनकेसी में इन्होंने इस एग्जाम के लिए किस तरीके से एक साल तैयारी की है और उसके दौरान इनका अनुभव कैसा रहा है और नीट को कैसे प्रिपेयर करें, जो सबके मन में ये सवाल रहता है कि मैं नीट की तैयारी कैसे करूं, इसके बारे में भी हम श्रेया मानसी से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी तैयारी किस तरीके से की और किस तरीके से हर बच्चे को इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो स्वागत है श्रेया आपका नवोदय नॉलेज सिटी के एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम की तैयारी की जाती है। सबसे पहले आप तो अपने बारे में बताएं कि आप कहां से हैं, आपकी स्कूलिंग कैसे रही है और आपने ये नीट ही क्यों चुना तैयारी करने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रेया मानसी है और मैं अभी तो नवोदय नॉलेज सिटी की टारगेट बैच की स्टूडेंट हूँ, पर मेरा 11th 12th मतलब मेरा हायर एजुकेशन जवाहर नवोदय विद्यालय बारू से हुआ था। उसके बाद मेरा ऐसा था कि मतलब मेरे को हायर स्टडी के लिए मेडिकल फील्ड चूज करना है, तो मेरे को जब 12th मैंने क्लियर किया तो मेरे को उसके बाद पता चला नवोदय नॉलेज सिटी के बारे में। तो मैंने मतलब मेरे पेरेंट्स को बोला कि मतलब मेरे को वहाँ ज्वाइन करना है, तो मेरे पेरेंट्स आए यहाँ देखें यहाँ सारा सिचुएशन सारा मतलब हॉस्टल वगैरह सब कुछ। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है तुमको यहाँ अलाउ कर देते हैं और फिर हम यहाँ नवोदय नॉलेज सिटी ज्वाइन कर लिए। हम लाइक लास्ट ईयर 2022 में जुलाई के एंड में हम यहाँ ज्वाइन किए। तो एक सवाल मैं श्रेया से जानना चाहूंगा कि ये आपने 12th लास्ट ईयर ही किया? नहीं, लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर किया। ये आपका नीट का कौन सा अटेम्प्ट था? थर्ड अटेम्प्ट था। लास्ट अटेम्प्ट में आपके मार्क्स कितने थे? लास्ट अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स 280 के अप्रोक्स थे। 280 के अप्रोक्स थे। और कल जो आपने एग्जाम दिया है तो अनुमानित स्कोर जो हमने चेक किया है डिफरेंट आंसर की से चेक किया है, तो आपका अनुमानित स्कोर कितना है? 606 के अप्रोक्स है। तो 606 आप देख सकते हैं कि 280 से 606 का सफर श्रेया ने नवोदय नॉलेज सिटी के कैंपस में तय किया है। अब इस सफर में 280 से ये 606 की जो जर्नी रही है वो कैसी रही है, किस तरीके से इन्होंने तैयारी की है, थोड़ा हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो श्रेया आप बताएं कि आपने सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि नीट के अंदर मेनली 3 सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स। बायोलॉजी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो आप ये बताएं कि आपने इन चारों सब्जेक्ट की किस तरीके से तैयारी की। सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों का सबसे डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट माना जाता है, फिजिक्स। तो हम सबसे पहले आप हमें बताएं कि फिजिक्स की तैयारी आपने कैसे की और इसमें नवोदय नॉलेज सिटी ने कैसे आपको हेल्प किया। एक्चुअल में सर मतलब लास्ट ईयर जो मेरा स्कोर था उसमें लास्ट ईयर मैंने फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया था। लाइक मेरे को फिजिक्स से थोड़ा फोबिया टाइप था, मतलब फिजिक्स में मेरा थोड़ा वीक है। तो जब मैं नवोदय नॉलेज सिटी आई, लिटरली मतलब इस साल मेरे जो भी स्कोर है फिजिक्स में वो एनकेसी के कारण है, क्योंकि यहाँ मैंने लिटरली फिजिक्स सीखा है पहली बार। लोगों को लगता होगा कि झूठ बोल दिया है जो भी, पर लिटरली मैंने यहाँ फिजिक्स पहली बार सीखा है। मतलब जो भी स्कोर मेरे आए हैं वो एनकेसी के कारण है, क्योंकि फिजिक्स से मेरा थोड़ा वो है मतलब थोड़ा फोबिया है। और यहाँ के टीचर्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, हम लोग के फिजिक्स के फैकल्टी बहुत अच्छे थे, मतलब वो रेगुलर डाउट सेशन वगैरह लेते रहते थे। फिर उनका था कि वो डेली क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कराते थे, प्लस वो बच्चों को पर्सनल कह देते थे कि लाइक कितने बच्चों से कितने पेपर बन रहे हैं, कितने टाइम में बन रहे हैं, कितने मतलब वो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसका डेली एनालिसिस होता था। तो फिजिक्स का तो मेरे तरफ से थोड़ा सा कम ही रह गया फिजिक्स में, पर फिजिक्स की तैयारी आपने किन किताबों के साथ शुरू की?
स्टार्टिंग में जब हम यहाँ आए थे तो सर तो मेरे को ऐसा ही गाइड किए थे कि एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है नीट में सब कुछ, तो प्राइम फोकस एनसीईआरटी पर रखना है। फिर उसके बाद साइड बुक्स में हम लोग को एक डीसी पांडे बुक होता है वो सजेस्ट किया गया, उसमें क्वेश्चंस का रेंज बहुत अच्छा होता है। मतलब एक क्वेश्चन का जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो जब वो एक रेंज डिसाइड हो जाता है तो उससे लोग को आइडिया मिल जाता है क्योंकि क्वेश्चन का पार्टिकुलर रेंज होता है, क्वेश्चन उसी से आना है। और अगर क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाता है तो फिर काफी हेल्पफुल रहता है। तो साइड बुक्स में हमने डीसी पांडे बनाया था और बाकी प्राइम फोकस एनसीईआरटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि सेकेंड जो टफेस्ट सब्जेक्ट है नीट के अंदर वो केमिस्ट्री ही माना जाता है, बट कुछ बच्चों के लिए केमिस्ट्री ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है फिजिक्स के कंपैरिजन में। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री आपने कैसे की और केमिस्ट्री के लिए आपने प्रिपरेशन किस तरीके से की और कौन सी बुक्स आपने यूज की और किस तरीके से एमकेसी के टीचर ने आपको हेल्प किया केमिस्ट्री को करने में। केमिस्ट्री के लिए बेसिकली मतलब स्टार्टिंग में जब हमें आए थे तो सबसे पहले हम लोग का मतलब वो तो पार्ट वाइज से अपना डिवाइडेड होता है फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो सबसे पहले हम लोग का ऑर्गेनिक का सिलेबस कंप्लीट हुआ तो वो एक मेजर पोर्शन होता है केमिस्ट्री के अंदर और बच्चों को उससे बहुत डर लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारे रिएक्शंस रहते हैं, मतलब लोग भूल जाते हैं बार बार, मैकेनिज्म होती है, रिएक्शंस होते हैं जी सर। तो हम लोग का मेजर पोर्शन अराउंड नवंबर दिसंबर के अप्रोक्स वो खत्म हो गया था, उसके बाद हम लोग फिजिकल मतलब नवंबर दिसंबर तक फिजिकल भी कंटिन्यू हो गया था, उसके बाद फिर फिजिकल का तैयारी हुआ, उसके बाद इनऑर्गेनिक हम लोग लास्ट में इसलिए चूज किए थे क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज बहुत सारे मतलब ये सीरीज वगैरह होते हैं और फिर वो सब याद करना होता तो वो सब मतलब एग्जाम के नजदीक में रहेगा तो वो रिविजन करने में अच्छा होता है। तो केमिस्ट्री के लिए हम लोग तो बेसिकली सर का नोट्स फॉलो करते थे और एनसीईआरटी फुल्ली एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए तो फुल्ली एनसीईआरटी, फिजिकल में थोड़ा बहुत क्वेश्चन का होता है तो वो डीपीपी प्रैक्टिस या मॉड्यूल वगैरह के से क्वेश्चन का रेंज मिल जाता है। बहुत बढ़िया, तो अब आते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर। बायोलॉजी जो कि बच्चे मानते हैं या बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो बच्चा नीट की तैयारी करता है उसका बायोलॉजी तो अच्छा ही होता है, फिर हमने देखा हुआ है कि लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी नीट के क्वेश्चन जो है अब उनका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है और पैटर्न में अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, असर्शन वाइज क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नॉट करेक्ट, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चों का काफी समय लेते हैं और बच्चों को बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है उन क्वेश्चंस को लेके। तो इसके लिए श्रेय आपने कैसे प्रिपरेशन की बायोलॉजी की? और मैंने तो खुद इन बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाया है तो अब मेरा रिव्यू भी इन बच्चों के मुंह से आप सुन सकते हैं। एक्चुअल में जैसे आपने बोला कि बच्चों को बायोलॉजी में इंटरेस्ट होता है तभी वो मेडिकल फील्ड चूज करते हैं, तो मेरा भी बायोलॉजी में पहले से ज्यादा इंटरेस्ट था, मतलब लास्ट ईयर जो भी मार्क्स मैंने स्कोर किया था वो शायद बायोलॉजी के ही कारण था और इस ईयर बस उसको थोड़ा इम्प्रूव करना था क्योंकि बायोलॉजी में मोस्ट मतलब क्वेश्चन का जो रेंज होता है ना वो लिटरली एकदम एनसीईआरटी की लाइन्स होती है और कुछ नहीं, बस थोड़ा ये होता है कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन हो जाता है, थोड़ा उसको टफ बना दिया जाता है। लास्ट ईयर तो पेपर थोड़ा सा बायोलॉजी का थोड़ा टफ था, मतलब टफ नहीं था वो टाइम दिया नहीं था क्योंकि लास्ट ईयर वो ड्यूरेशन एग्जाम का बढ़ाया गया था, मे बी इस कारण से उसको थोड़ा वो किया गया हुआ, पर इस बार पेपर का लेवल बहुत अच्छा था और तैयारी करने के लिए हम लोग लिटरली एनसीईआरटी फोकस किया है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट में बस एनसीईआरटी, और बायो में तो लिटरली एनसीईआरटी की लाइन होती है, मतलब सब कुछ फुल्ली एनसीईआरटी डायग्राम्स और भी सब कुछ, और सर का भी बहुत अच्छा, मतलब सर तो हमेशा अवेलेबल रहते थे रात को 1-2 बजे यहाँ, मतलब रेसिडेंशियल है ये इंस्टीट्यूट पूरी तरह से, तो बायो में मेरे मतलब 336 के अप्रोक्स स्कोर किया मैंने, तो आउट ऑफ 360 इज द स्कोर इन द बायोलॉजी और काफी शानदार है बायो का स्कोर। बायोलॉजी में मेरे को कुछ कुछ चैप्टर से वो थोड़ा डर टाइप था, जैसे एनाटॉमी हो गया, मॉर्फोलॉजी, बच्चों को ये सब डर होता है क्योंकि ये सब चीज हम भूल जाते हैं बार बार, तो वो सब चीज को सीखने में सर से बहुत हेल्पफुल रहा, मतलब सर का ट्रिक्स वगैरह, सर के मतलब वो क्लास में जिस तरह से समझा देते थे ना तो फिर वो दिमाग में बैठ जाता था, वही होता है मतलब हम लोग बायोलॉजी बुक लेके रटते हैं, रटना तो पड़ता ही है बायोलॉजी में क्योंकि वो तो सब्जेक्ट ही वैसा है, अगर बुक लेके रटते हैं तो वो बस रट पाते हैं, पर सर से एक बार गाइड लेने के बाद वो उसका कॉन्सेप्ट बन जाता है दिमाग में, फिर वो आसान हो जाता है बहुत। और बायोलॉजी के अंदर जो बहुत सारे बच्चे जो जहाँ पे स्ट्रगल करते हैं वो है बायोलॉजी एनसीईआरटी की लैंग्वेज, तो आपने इस हर्डल को कैसे क्रॉस किया?
वो उसके लिए मैं सर से पर्सनल केयर लेती थी और सर के पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, सर हम लोग को भी थोड़ा अपना पर्सनल टाइम से समय काट के हम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते थे। उसी में मतलब उसके लैंग्वेज में जहां जाते थे सर हम लोग को मतलब एक एक लाइन लिटरली एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझाते थे। हमें उसमें थोड़ा टाइम भी लगता था पर हाँ वो हेल्पफुल बहुत होता था। ओके तो यहाँ पे हमारे तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के बारे में हमने बात की, इनके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए इसके लिए भी हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि नवोदय नॉलेज सिटी जो है, प्रिपरेशन तो बच्चे पूरे इंडिया में हर जगह जाके करते हैं, एलन में करते हैं, आकाश में करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाके करते हैं, बट नवोदय नॉलेज सिटी जो पटना के अंदर स्थापित है, इसके कैंपस के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सा ऐसा माहौल है, कौन सा ऐसा एम्बियंस जो हम क्रिएट करते हैं जो बाकी जगहों से नवोदय नॉलेज सिटी को अलग करता है, और हम ऐसा क्या देते हैं जिससे श्रेया मानसी 280 से 600 आई और 600 को पार भी किया इन्होंने। अब हम जानना चाहेंगे कि श्रेया मानसी आप, अब हम सब्जेक्ट्स को अलग रखते हैं और नवोदय नॉलेज सिटी के बारे में बात करते हैं कि नवोदय नॉलेज सिटी में आपको वो क्या देखने को मिला या वो चीज आपने क्या अनुभव की जो पिछले साल आपने नहीं की थी और वो आपने अपने अंदर और अपने बाहर क्या परिवर्तन महसूस किया। सर नवोदय नॉलेज सिटी बाकी इंस्टीट्यूट से बहुत मायने में अलग है। मतलब सबसे पहले तो कि ये कम्प्लीटली रेसिडेंशियल है, बच्चों को बाहर जाने का जरूरत ही नहीं है। एक ही रूफ के अंदर हम लोग को फूडिंग, लॉजिंग, पर्सनल केयर, सिक्योरिटी, सेफ्टी सब कुछ मिल जाता है। तो बाहर जैसे बेसिकली क्या होता है ना कि बाहर बच्चों को बहुत सारे फैक्टर्स का सामना करना पड़ता है, लाइक अगर कोचिंग आ जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टिंग में, फिर फैमिली होती है तो फैमिली के साथ फंक्शंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, टाइम का बहुत सारा वेस्टेज होता है। मतलब बेसिकली फोन है, फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम में बच्चों का। तो यहाँ पे एक चीज था कि यहाँ पे फोन वगैरह का कुछ अलाउड नहीं था, मतलब बच्चों को पर्सनल फोन अलाउड नहीं थे। फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह से हम लोग का जो वेस्टेज होता है वो बच जाता है, फ्रेंड सर्कल छोटा होता है, मतलब जो भी हो यहाँ एक इन्वायरमेंट बहुत प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट मिलता है जिससे मतलब उसमें बहुत हेल्प होता है। लाइक बाहर में जैसे होता है क्या कि बाहर लोग क्या है हॉस्टल लेते हैं तो वहाँ हम लोग को अपना पर्सनल केयर खुद ही करना पड़ता है। लाइक बाहर आना जाना है, सामान लाना है, रखना है, हॉस्टल से आना है जाना है, कोचिंग करना है, और यहाँ वैसा कोई कुछ नहीं था। मतलब सब कुछ हम लोग को फूडिंग लॉजिंग सब कुछ मतलब प्रिपेयर्ड ही मिलता था, तो हम लोग का वो सब चीज में बहुत टाइम बचा है। प्लस में यहाँ सेल्फ स्टडी के लिए बहुत टाइम मिल जाता है क्योंकि अगर ये सब चीज से हम समय बचा रहे हैं तो फिर वो कहाँ देंगे, पढ़ाई नहीं देंगे। तो वो पढ़ाई में हम लोग को मतलब कम से कम 6 घंटे की क्लासेस होती थी और उसके बाद हमारे पास 6 से 8 घंटा अपने सेल्फ स्टडी के लिए बचा, तो वो बहुत काम करता है कि पर डे क्लासेस का रिविजन प्लस अपना कुछ एक्स्ट्रा कर दिए, कुछ मॉड्यूल्स बना लिए, कुछ क्वेश्चन पेपर कर लिए, डीपीपी कर लिए, तो उससे थोड़ा सा रोज रोज कुछ काम होने से हम लोग का भी मोरल बढ़ता था कि हाँ चलो आज इतना पढ़ा है तो आगे और होगा। तो उस टाइप से तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है बाहर के मुकाबले। तो मतलब नवोदय नॉलेज सिटी के अंदर 6 आवर की क्लासेस के साथ साथ बच्चे 8 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी भी कर पाते हैं, जो कि बाकी जगह पे ये जो समय होता है सेल्फ स्टडी का